नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और मैं लेकर के आती हूं आपके लिए हिंदी साहित्य। और इसका प्रथम प्रश्न पत्र फिलहाल हम देख रहे हैं, और चूँकि ये जो प्रश्न पत्र है ये आपका UPPCS की मेंस पेपर के लिए या UPSC का, जिन लोगों ने वैकल्पिक विषय के तौर पर UPSC की तैयारी के लिए जिन लोगों ने ले रखा है हिंदी लिटरेचर, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जिसमें आपने वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी साहित्य ले रखा है, ये उन सबके सिलेबस का मिला जुला प्रारूप है। ये मैं शुरू में ही सबको बताती हूँ, इसलिए आप पर्टिकुलर किसी एक की तैयारी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो भी ये सही है, या अगर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, चाहे वो UPPCS हो या फिर MPPCS हो या BPSC हो या UPSC हो, जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि आपने वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी लिटरेचर ले रखा है, उसके लिए ये वीडियो सीरीज़ पूरी चलाई गई है। वीडियो सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। PDF के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसमें बहुत सारे पेड और अनपेड ग्रुप्स भी आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारी सामग्री, आपको स्टडी मटेरियल्स इसमें बहुत सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि कुछ पेड हैं और कुछ अनपेड भी हैं। तो आप अनपेड में भी बहुत सारे वैल्यूबल मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उनसे भी हमसे उनके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं इससे। और ये है हमारा कॉल या फिर व्हाट्सएप नंबर, जिस पे कि आप और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होती है तो आप इस पर आप हमको कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कैसे होती है, भक्ति काल का जो समय था उसका निर्धारण कैसे हुआ और उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश कैसा था। इसके अलावा जो भक्ति साहित्य जो लिखा गया उसकी संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए उसकी भावगत और शिल्पगत विशेषताओं पर हमने बात की थी। जिनका छूट गया है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जा करके ये पूरे हिंदी की वीडियो सीरीज जितने भी लेक्चर सब तक हुए हैं इन सब की वीडियोज़ आप वहां पर बैक टू बैक देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज जो हमारा है टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे भक्ति की अवधारणा पे, ठीक है, और सगुण बनाम निर्गुण भक्ति, ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे भक्ति काल के कुछ दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं। तो ये तीन आज के जो वीडियो है इसके तीन ये मुख्य टॉपिक हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं भक्ति की अवधारणा से। अच्छा, तो मैंने देखेंगे आपकी, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है आचार्य शुक्ल। ये आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि भक्ति जो है वो धर्म का रसात्मक रूप है, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति की बहुत ही सारगर्भित परिभाषा आप कह सकते हैं कि अपनी सूत्र शैली में इस प्रकार दे दी है, लेकिन अब वस्तुतः क्या है कि धर्म के भीतर ईश्वर या अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने की चार प्रमुख प्रणालियां या पद्धतियां मानी गई हैं, जिसमें कि पहला है आपका ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा योग और चौथा भक्ति, ठीक है। जहां तक ज्ञान मार्ग का प्रश्न है तो वो थोड़ा नीरस है या शुष्क है और बहुत सूक्ष्म भी है, जटिल भी है। तो इसके कारण वो क्या है कि बहुत वर्ग विशिष्ट तक, बहुत कम लोगों तक वो सीमित रह गया, कम वर्ग माने विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित रह गया, जो थोड़े बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, ठीक है, तो उन तक ये चीज़ें सीमित रह गई। इसलिए यही वजह थी कि जो शंकराचार्य ने जब ज्ञान मार्ग की स्थापना की तो उसके बाद भी लोक जीवन में वो पूरी तरीके से स्वीकृति उसको नहीं मिल पाई, ठीक। दूसरा आता है हमारा योग, ठीक है, तो योग मार्ग जो है वो शारीरिक साधना पर आधारित है। तो ये भी एक तरीके की आप कहिए कि शुष्क क्रिया है और नीरस है, इसमें बहुत देर तक आदमी स्थिर नहीं रह सकता है आदमी का मन, तो इसमें भी बहुत तरह की कठिनाइयों के कारण ये भी जो है क्या हो गया कि ये एक वर्ग विशेष तक से क्यों सीमित रह गया, वजह था कि इसमें भी एक कठोर शारीरिक अनुशासन और नियमन में उसको जो नियमित रूप से चला सके, कर सके, इसमें जो लोग दक्ष होते हैं, जो कि जिनके वो इसको योग मार्ग को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये शारीरिक साधना का एक आधार रहा इस तरीके से। फिर इस वजह से यही वजह है कि ये भी ज़्यादा लोगों में प्रचलित योग मार्ग नहीं हो पाया, कुछ लोगों तक ये सीमित रह गया। फिर आता है हम कर्म मार्ग की अगर बात करें, तो कर्म मार्ग का मतलब होता है कि
बाहरी विधि विधान या आडंबर या देशाटन तीर्थाटन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सब करना। तो ये मार्ग जो है ये अगर आप बोधगम्यता की दृष्टि से देखें तो ये सरल है और बहुत ही मतलब सब तक बहुत सुलभता से हर किसी तक पहुंच सकता है ये। लेकिन इसमें भी यही है कि इसमें रसात्मकता नहीं होती है किसी, मतलब वैसी रसात्मकता नहीं है जो कि भक्ति में है, ठीक। इसलिए इसको थोड़ा सा ये भी आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए ये मार्ग थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये भी वजह है कि जो है ये कुछ वर्ग में ही ये ज़्यादा प्रचलन में रहता है और कुछ वर्ग में ये उतना प्रचलन में नहीं रह पाता जितना कि भक्ति है। अब भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप इसलिए कहा क्योंकि ये जो है बुद्धि, शरीर और क्रिया इस पर आधारित नहीं होकर ये मनुष्य की भावनाओं पर आधारित है। ये मुफ्त होती हैं भावनाएं, ठीक है, और मुफ्त होने के साथ साथ ये मुक्त भी होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भक्ति सभी लोगों तक बहुत सुलभता से पहुंच जाती है, ठीक है, बहुत अधिक मार्मिक भी है। और यही कारण है कि लोक जीवन में जब धर्म ने आंदोलन का रूप ले लिया तो उसका माध्यम जो बनी वो भक्ति बनी, ठीक है, ना ही ज्ञान बना, ना ही योग बना, ना ही कर्म बना, ये सारी चीज़ें समाज में मौजूद थी। लेकिन उसके बाद भी लोक जीवन के रसात्मक रूप का जो माध्यम बनी, रसात्मकता का जो माध्यम बनी, वो जो निरसता से रसात्मकता की ओर बढ़ने का जो माध्यम बनी वो बनी भक्ति, ठीक। अब जो दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है निर्गुण भक्ति बनाम सगुण भक्ति, ठीक है। तो भक्त की अवधारणा को कई दृष्टियों से वर्गीकृत किया जाता है जिसमें कि सबसे प्रचलित जो वर्गीकरण हुआ वो हुआ निर्गुण और सगुण भक्ति का, ठीक है। इसका वर्गीकरण का मूल आधार ये था कि भक्ति अपने आराध्य को सगुण मानता है या निर्गुण मानता है। फिर अब देखिए गुण का जो अर्थ है ये विशेषता से, मतलब जिस ईश्वर को कुछ निश्चित विशेषताओं से परिभाषित या लक्षित किया जा सके उसको सगुण ईश्वर कहते हैं। और सगुण ईश्वर में सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता, प्रेम, न्याय, प्रियता जैसे गुण जो हैं वो आरोपित किए जाते हैं ताकि वो भक्त, ये एक तरीके की विशेषता है उनकी, ठीक है ना। तो ये जो है इस जिसको कि हम गुण कह रहे हैं ये दरअसल ये इसका मतलब विशेषता से है, गुण की विशेषता से है, इसलिए ये सगुण है इसका। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो निर्गुण है उनमें ये विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं, उनमें भी ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अभी हम जब निर्गुण की व्याख्या करेंगे तो हम निर्गुण को भी बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें आरोपित करते हैं तब वो, ताकि वो जो भक्त की भावनाओं का सहज एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि आलंबन बन सकता है, ठीक है। वैष्णव वेदांती दार्शनिकों में आप जैसे कि आप रामानुज का नाम लीजिए, मध्वाचार्य का नाम लीजिए, वल्लभाचार्य, इन सब ने क्या किया कि सगुण ईश्वर की धारणा को स्वीकार किया। और सामी और जैसे धर्म या फिर ईसाइयत, इन लोगों ने क्या किया कि सगुण ईश्वर को, इन लोगों ने भी सगुण ईश्वर को ही माना है। हिंदी भक्ति परंपरा में राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा सगुण ईश्वर को स्वीकार करते हुए ये आगे बढ़ती है। इतना ही नहीं, इन दोनों धाराओं के कवियों ने निर्गुण ईश्वर पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आप तुलसीदास जब कहते हैं कि तुलसी अलखई का लखें राम नाम जप नीच, ठीक है, इसी तरीके से सूरदास की गोपियां जो हैं वो निर्गुण मार्गी जब उद्धव जब से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, ठीक। तो लेकिन सगुण ईश्वर की जो धारणा है वो भावनात्मक संतुष्टि चाहे प्रदान कर ले, ठीक है, लेकिन वह दार्शनिक तार्किक प्रश्नों का सामना कहीं कहीं नहीं कर पाती। इसका कारण यह है कि जब किसी सत्ता की व्याख्या या निर्वाचन कुछ निश्चित विशेषणों और गुणों से किया जाता है तो प्रत्येक विशेषता कई अन्य संभावित विशेषताओं के अभाव को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए अगर कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं तो अन्य प्राणियों से उनका उतना प्रेम नहीं स्वीकारा जा सकता है। इसी तरीके से अगर राम अयोध्या के राजा हैं तो विश्व के शेष सभी क्षेत्र उनके लिए समान महत्व नहीं रख सकते। इसी इन्हीं तार्किक समस्याओं के कारण कई दार्शनिक जो हैं वो निर्गुण ईश्वर को स्वीकारते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ निर्गुण का अर्थ जो है वो गुणहीन या गुण से परे या जिसको गुणातीत कहते हैं वो नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर में गुणों का वैविध्य और गुणों की पूर्णता इतनी अधिक है कि उसे किसी विशिष्ट गुण से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, निरंजन, अलख
ये सब कह करके पुकारा जाता है। ठीक है, तो फिर अद्वैत वेदांती दार्शनिक थे हमारे शंकर, आचार्य शंकर, उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण बताया। और भक्तिकालीन काव्य परंपरा में सब संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में निर्गुण ईश्वर की भक्ति का आलंबन बनाया गया है। कबीर कहते भी हैं कि दशरथ सुत्ति लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। ठीक है, इसी तरीके से वो, अगर एक और आप उनका संदर्भ अगर आपको याद हो तो वो कहते हैं कि सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागद करो, हरिगुण लिखा न जाए। ठीक है, इसी तरीके से फिर साहित्य में और भक्ति में, हाँ, निर्गुण सगुण विवाद के संबंध में जो एक मूल समस्या जो है वो है मनोवैज्ञानिक पक्ष की। ठीक है, ये समस्या ये है कि निर्गुण निराकार ईश्वर चाहे दार्शनिक जिज्ञासों का शमन करने में अधिक समर्थ हो तो वह भक्त की भावनाओं का आलंबन नहीं बन सकता है। यही वजह है कि निर्गुण ईश्वर में आस्था रखने वाले प्रायः जो होते हैं वो ज्ञान मार्गी के अनुयायी हुए हैं और उन्होंने भक्ति मार्ग के नहीं हो पाए वो। और अगर कोई भक्त निर्गुण ईश्वर की भक्ति करना चाहे तो कहीं ना कहीं वह उसका सगुणीकरण कर देता है। अगर वह न चाहते हुए भी उसको एक आलंबन रखना पड़ता है, ठीक है, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से ना हो, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन वह कहीं ना कहीं आलंबन देता है, तभी वह उसकी भक्ति वह कर पाता है। तो आलंबन दे देने का अर्थ ही होता है कि सगुण हो जाना। ठीक है, इसी तरीके से जब सगुण भक्तों के सामने बहुत जटिल दार्शनिक समस्याएं उठती हैं, जिनकी एक चर्चा मैंने पहले की, तो वे अपने सगुण ईश्वर को तात्विक अर्थों में निर्गुण बता देते हैं। ठीक है, इस रूप में अगर आप देखेंगे तो हिंदी के चारों भक्त कवि एक बिंदु पर जाकर निर्गुण और सगुण में अद्वैत की स्थापना कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि संतो धोखा कांसु कहिए, गुण मैं निर्गुण, निर्गुण मैं गुण, बाट छोड़ क्यों बहिए, कबीर कहते हैं। इसी तरीके से तुलसी भी कह देते हैं कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। ठीक है, फिर सूरदास कहते हैं वेद उपनिषद जासु को निर्गुण ही बतावे, भक्त बच्छल भगवान धरे, भक्त भते भक्तिन के भक्तन के पास। ठीक है, तो ये सूर कह देते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें जो है इस तरीके से आ करके कहीं ना कहीं सगुण और निर्गुण में भेद नहीं हो पाता है। कभी निर्गुण कहीं कहीं सगुण को मानने को या उनका आलंबन लेने को विवश हो जाते हैं, तो कुछ स्थानों पर कुछ दार्शनिक प्रश्नों पर सगुण जो है वो निर्गुण का आलंबन लेने को बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में सगुण और निर्गुण के बीच की वो जो बारीक रेखा है उसको समझ पाना कठिन हो जाता है थोड़ा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भक्तिकाल के दार्शनिक आधार की, कि कौन कौन से दार्शनिक आधार इसमें भक्तिकाल में देखने को हमें मिलते हैं। तो भक्ति आंदोलन के मूल में बहुत सारे दर्शनों की क्रिया प्रतिक्रिया की गंभीर भूमिका रही है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको शुरुआत में थोड़ा, कि ऐसा इसका हम जो साहित्य के विद्यार्थी हम लोग को इसका बहुत सामान्य परिचय होना चाहिए, इसलिए बहुत गहराई में जाने की अपेक्षा जो है हम इसको थोड़ा जानकारी के लिए केवल हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि गहराई में जाने का अर्थ है कि आप सीधे दर्शन के आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो सिर्फ इसकी जानकारी के लिए आप इसको पढ़िए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं और इन्हीं से कनेक्ट करके आप जो दार्शनिक या आध्यात्मिक साहित्य होते हैं उसमें दर्शन को बैकग्राउंड या उसके मूल को या उसके आधार को या उसकी पृष्ठभूमि को समझ करके ही हम उन्हें ज़्यादा अच्छे से व्याख्यायित कर पाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो दर्शन हमें देखने को मिलता है वो आता है हमारे पास शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ठीक है, तो शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता या ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। ठीक, दूसरी बात इसमें यह है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, लेकिन जो ये वैविध्य जो है ये वास्तविक नहीं है। यहाँ विभिन्न आत्माएं जो हैं ये ब्रह्म के प्रतिबिंब या आभास उनका मात्र है। आत्माएं का मतलब जो जीव हैं उनसे है। ठीक है, तो आत्मा और ब्रह्म इसलिए उन्होंने कहा कि एक है। आत्मा का अर्थ यहाँ जीव से है, उन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म जो हैं वो बेसिकली एक हैं। वो बहुत सारे रूप में हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग उसमें, लेकिन उनमें किसी तरीके की कोई विविधता नहीं है, वो सभी ब्रह्म का ही रूप है।
ठीक है, ये नहीं कहा उन्होंने कि ब्रह्म से अलग है या ब्रह्म का अंश नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि वो ब्रह्म ही है या ब्रह्म का ही रूप है। ठीक, तीसरा आता है कि इन्होंने सत्य के तीन स्तर बताए, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, ठीक, जिसको कि ब्रह्म या ब्रह्म और आत्मा अभेद हैं कहा जाता है। ठीक है, पारमार्थ सत्य केवल एक ही सत्ता है यानी ब्रह्म है, उसमें आत्मा नहीं है। ब्रह्म और आत्मा में किसी तरीके का कोई भेद पारमार्थिक स्तर पर नहीं किया जाता है। व्यवहारिक स्तर पर तीन सत्ताएं आती हैं आपकी, ईश्वर, जीव और जगत। ठीक है, ईश्वर जो है वो ब्रह्म का ही सगुण रूप है, जीव जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जिसकी की बात अभी हमने द्वितीय दूसरे वाले पॉइंट में जिसमें कि हम कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि जीव जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। ठीक है, या जगत जो है वो ब्रह्म का आभास मात्र है। तो इसकी रचना जो है ईश्वर ने माया के माध्यम से की है, या ईश्वर इसकी रचना माया के माध्यम से करता है। ये तीन स्तर इसमें बताए गए हैं इनके। ठीक है, ये प्रातिभासिक, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार आत्मा जो है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी देख करके कर सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है उसको, वो आप जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो शंकराचार्य के अनुसार आप बेसिकली आत्मा और ब्रह्म जो है मूलतः एक ही है, ये बात बार बार मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि यही इसका आधार है इनके सिद्धांत का। ठीक है, बंधन का कारण सिर्फ इतना है कि शरीर से युक्त होने के कारण आत्मा अपने मूल ब्रह्म स्वरूप को भूल गई है। बंधन का कारण क्या है, वो है अज्ञान। ठीक है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है, ऐसा कहते हैं। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि होने का ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जैसे ही आत्मा को ये बोध हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है। ब्रह्म हो जाने का अर्थ यहाँ पर ये है कि ब्रह्म हो जाने का अर्थ माने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना, माने सभी मानवीय दुर्गुणों को छोड़ करके ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेना ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना है, या ब्रह्म हो जाना है। ठीक है, तो जैसे ही वो इसको कर लेता है वैसे ही उसको मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाता है। तो मोक्ष में किसी भी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता है। तो शंकर के जो ये इस दर्शन का भक्ति पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद जो है वो स्वीकार करना आवश्यक है कि मैं भक्त हूँ और ये मेरे आराध्य हैं या पूज्य हैं, जबकि शंकराचार्य के अनुसार परमार्थता ही माने वास्तव, परमार्थता कह लीजिए या ये कह लीजिए वास्तविकता, ये दोनों एक ही हैं। वे व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकारते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक तत्व के रूप में भी वो भक्ति को ही महत्व देते हैं। लेकिन भक्ति से ना तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और ना ही उसकी उपलब्धि का। फिर मोक्ष की अवस्था में साधक ब्रह्म ही हो जाता है, उसका व्यक्तित्व जो है वो क्या होता है, विलीन हो जाता है। ये धारणा जो है भक्तों को उचित प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से ये जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था ये बहुत अधिक लोक प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोगों को बहुत अधिक समझ में नहीं आया, या ये कह लीजिए कि लोग इसके पक्ष में बहुत अधिक अपना समर्थन नहीं दे पाए। ठीक है, अगला जो आता है हमारा वो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद आता है। तो ये जो है रामानुजाचार्य का जो दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है, ये जो है ये शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध जो है वो पहली ठोस प्रतिक्रिया के रूप में ये उभर करके आता है। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसलिए वो उसको विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, दर्शन के तीन प्रकार के भेदों को स्वीकारा जाता है, स्वीकारा है इन्होंने, और कहते हैं कि सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, तीन भेद इन्होंने दर्शन के बताए, सजातीय, विजातीय और स्वगत। ठीक है, तो सजातीय भेद का मतलब ये होता है कि एक ही वर्ग के दो वस्तुओं के बीच, हाँ, एक ही वर्ग के दो वस्तुओं के बीच का भेद, जैसे कि एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, इन दोनों के बीच का भेद। विजातीय भेद का मतलब होता है कि दो भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे कि एक मनुष्य और दूसरा पुस्तक। ठीक है,
तीसरा है स्वगत भेद, और इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि किसी वस्तु और उसके किसी अंश का भेद, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पेड़ और उसकी टहनी के बीच का भेद, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो तीन दर्शन के जो तीन भेद उन्होंने बताए, सजातीय, विजातीय और स्वगत, वो कुछ इसी तरीके के थे, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि बहुत हमको इसको डीप में जाके नहीं पढ़ना है, इसलिए सिर्फ बाहर बाहर ही आप समझ लीजिए कि क्या है। जब भी कभी अद्वैत, जब भी आपकी विशिष्टाद्वैत की बात आए या फिर रामानुजाचार्य की बात आए और उनके सजातीय दर्शन की बात आए, ताकि आप वहाँ पर उसको उसके बीच का डिफरेंस को समझ पाएँ कि सजातीय दर्शन का क्या अर्थ होता है, इसलिए मैंने इसको उदाहरण के तौर पर आपको समझा दिया है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। शंकर ने जो है इन तीनों भेदों का खंडन किया था, क्योंकि ना तो कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, वो ऐसा उनका मानना है कि ना ही कोई भी सत्ता ब्रह्म के समान है, ना ही भिन्न है, ना ही उसके भीतर कोई अंश अंशी का भेद है, ठीक है, यानी ब्रह्म जीव का या ब्रह्मांश होने का कोई भेद, ब्रह्म और उसके अंश के होने का कोई भेद है, इसी को अंश अंशी का भेद कहते हैं, ठीक है। रामानुज ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, लेकिन स्वगत भेद को उन्होंने क्या किया, स्वीकारा, ठीक है। ईश्वर जो है वो अंशी है, जबकि आत्मा और जगत क्या है, उसके अंश हैं। अंशी माने बहुत सारे अंश को खुद में को मिला करके जब एक बनता है, जैसे कि आप अणु और परमाणु का जो अंतर है, वही अंतर है यहाँ पर, ठीक है। आत्मा और जगत उसके अंश हैं, किसके, ईश्वर के, ठीक है। इसलिए ईश्वर अंशी है और आत्मा और जगत अंश हैं, यही अंश अंशी का भेद है। रामानुज के अनुसार आत्मा जो है वो ये है पॉइंट आपका अगला। रामानुज जो है वो कहते हैं कि आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है, वे ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं हैं, ठीक है, उनकी नित्य और वास्तविक सत्ता उन्होंने मानी है और कहा है कि इसलिए आत्मा भी सत्य है और जगत भी सत्य है। रामानुज स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वह सगुण ही है, चत और चत, सत चित और आनंद इसके गुण हैं, ठीक। रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग ज्ञान नहीं है, भक्ति है, और ज्ञान की भूमिका सहायक रूप में वो आवश्यक मानते हैं, और कहते हैं लेकिन जो मुख्य भूमिका होती है वो भक्ति की ही होती है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और भक्त को ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता की भावना से भक्ति करनी चाहिए ताकि उसे ईश्वर का अनुग्रह या कृपा प्राप्त हो सके, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि मोक्ष की अवस्था में भी जीव और ईश्वर का भेद बना रहता है, और रामानुज जो है वो कहते हैं कि मोक्ष की सायुज्य धारणा को स्वीकार करते हैं वो, जिसमें कि वो कहते हैं कि सायुज्य धारणा का मतलब ये हुआ कि जीव को ईश्वर के ज्ञान और आनंद का पूर्व का पूर्ण अनुभव होता है, और जबकि उसकी सत्ता जो है कहीं समाप्त नहीं होती है, ठीक। तो रामानुज की जो एक सीमा थी वो ये थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया था, निम्न वर्ण के लिए उन्होंने प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की, और रामानुज की परंपरा में लगभग 2 शताब्दी बाद रामानंद का आविर्भाव होता है, और जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर के आते हैं। कहा गया ना कि भक्ति भक्ति द्रविड़ उपजी लाए, रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, उसके बाद से रामानंद कबीर के गुरु थे, रामानंद ने ही कबीर से ही कबीर ने राम का नाम प्राप्त किया, लेकिन रामानंद के राम जो है वो सगुण थे और कबीर के राम निर्गुण है। रामानंद की परंपरा में आगे चलकर फिर तुलसीदास का आविर्भाव होता है, उनके भी उन्होंने भी सगुण राम की भक्ति का मार्ग चुना फिर से आगे चल करके, ठीक है। तो ये है चीज़ें आपकी, ये हो गई आपका रामानुज। अब हम अगला जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत की। तो वल्लभाचार्य ये वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं और इनका दर्शन जो था वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाया, और ये भी जो है वो तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है, आप कह सकते हैं। शुद्धाद्वैत जो है वो शुद्ध शब्द का प्रयोग इसमें आप एक विशेषण के तौर पर किया गया, और वल्लभाचार्य के अनुसार जो संपूर्ण सृष्टि जो है वो 3 प्रकार के गुणों से निर्मित होती है, सत चित और आनंद, ठीक है। ये वही सत चित आनंद है जिसकी बात ऊपर रामानुज
कर रहे थे। ठीक है, सत्चित और ईश्वर जो है वो तीनों गुणों से परे है। ठीक है कि नहीं सॉरी, सत्चित आनंद जो है वो ईश्वर जो है वो इन तीनों गुणों की समग्रता है। ये जो सत, ये अब देखिए अभी आप कहेंगे कि गुण की बात आप करें तो गुण जो विशेषता जो दर्शन में गुण बताए गए हैं या वो है सत रज तम। ठीक है, ये मनुष्य के गुण बताए गए हैं सत रज और तम। ठीक है, और ये सत्चित और आनंद जो है ये ईश्वर के गुण बताए गए हैं। तो इन्हीं गुणों का जो भेद है जिसको कि कह रहे थे रामानुज, जिसको कि जिसके की बात कर रहे थे कि जब कि इन गुणों को जब व्यक्ति अपने अंदर ले लेता है तो वह ब्रह्म हो जाता है। सॉरी, शंकराचार्य कह रहे थे कि जब वह ईश्वरीय गुणों को जब प्राप्त कर लेता है, वही माने जब उसको कि अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है तो वह सत रज और तम गुणों से परे हट करके सच्चित आनंद के गुण को के लेवल को पा लेता है या उसको समझ लेता है, तब वह ब्रह्म हो जाता है। ये शंकराचार्य कह रहे थे। ठीक है, तो सत रज तम की बात नहीं हो रही यहाँ पर ईश्वर की संपूर्णता की बात हो रही है। तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है वो तीन प्रकार के गुणों से निर्मित होती है, सत चित और आनंद। ठीक है, और वो कहते हैं कि जीव में सत और चित गुण तो पाए जाते हैं लेकिन आनंद का अभाव है। ठीक है, और जबकि अचित जो है उसमें सिर्फ सत गुण उपस्थित होता है। इस तरीके से जिन गुणों में जीव और जगत निर्मित है उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। ठीक है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है उसी तरीके से जीव और जगत भी शुद्ध हैं, ये कहते हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसमें बेसिकली उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है, थोड़ा सा शायद जवान मेरी कठिन हो गई होगी, उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो सत चित और आनंद गुण है इसमें आनंद के लिए ही, इसी आनंद के लिए जीव जो है वो भटकता रहता है। सत और चित गुण तो मनुष्य में भी प्राप्त होते हैं देव के साथ साथ या ईश्वर के साथ साथ। ठीक है, लेकिन जो आनंद का जो गुण है उसी के लिए जीव इस जगत में भटकता रहता है। ठीक है, तो जिस तरीके से ईश्वर इन गुणों के साथ शुद्ध है उसी तरीके से ये भी जीव और जगत भी शुद्ध हैं, इसी वजह से इसको उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद नाम दिया या शुद्ध विशेषण इसके आगे लगाया। वल्लभाचार्य इन्होंने विष्णु की भक्ति को मुक्ति का साधन माना। ठीक है, कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं। ठीक है, न कि राम की भक्ति में। ठीक है, इन्होंने राम की भक्ति को नहीं माना, इन्होंने कृष्ण की भक्ति को वो किया। और वल्लभ का साक्षात्कार सूरदास से हुआ था, फिर उससे पहले सूरदास जो है दास से भक्ति करते थे जिसमें कि भक्त जो है वो खुद को निरीह और दीन मानता है। फिर वल्लभ ने सूर को प्रेरित किया कि सूर वह के काहे घी गया, तो आपने पढ़ा होगा ये। यहाँ से सूर ने कृष्ण भक्ति का नया रूप स्वीकार किया जिसमें कि प्रेम और माधुर्य जो है वो केंद्र में आ जाता है। ठीक है, वल्लभ के इसी दर्शन के आधार पर भक्ति का एक विशेष मार्ग स्थापित हुआ जिसको कि पुष्टि मार्ग कहा जाता है, और इसके अंतर्गत माना जाता है कि ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति उपलब्ध होती है, पोषणम तद अनुग्रह कहा गया है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका वल्लभाचार्य हो गए। फिर आते हैं हम चौथे जो दर्शन इसमें मिलता है हमें, वो मिलता है सूफियों का दर्शन भक्ति काल में। ठीक है, तो सूफियों पे हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हम दर्शन की चूँकि बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम सूफियों के दर्शन पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि सूफियों का जो संबंध है वो मूलतः इस्लाम से है। ठीक है, लेकिन इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं जो हैं वो इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकार किया और अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम जो हैं वो आत्यंतिक हैं और स्वयं खुदा ने मुहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसे अपनी ही वाणी में प्रस्तुत किया है। तो ऐसे में सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं। इल्मे सकीना और इल्मे सीना। ठीक है, इल्मे सकीना वो है हाँ जहाँ पर वो ज्ञान है जहाँ पे कि खुदा ने मोहब्बत पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया, ये वो ज्ञान है। जबकि इल्मे सीना जो है ये वो ज्ञान है
जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया। ठीक है, सूफी जो है वो दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन इल्मे सिना की प्रामाणिकता उनके दृष्टि में अधिक है। जो इल्मे सिना की बात जो हुई उसको वो अधिक प्रमाणित मानते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की, यानी इल्मे सिना के आधार पर। ठीक, अब ये जो जो सूफी दर्शन का जो मूल प्रभाव है वो इस्लाम का है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में जो अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। फिर इस्लाम ये मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक और भिन्न सत्ताएं हैं। ठीक है, खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत या जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। फिर इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का संबंध नहीं हो सकता। फिर इन मान्यताओं को बदलना सूफियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि को पर अपनी जो है उसी की अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की। और वो जो दार्शनिक मान्यताएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के चार विभाग हैं। ठीक है, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। ठीक है, तो नफस का मतलब जो है वो नफस जो है वो इंद्रियों से है, नफस का मतलब। ठीक है, और अक्ल का मतलब जो है वो नफस जो है वो आपका नफस का अर्थ इंद्रियों से है। जो हमारे यहाँ जो पांच इंद्रियाँ बताई गई हैं, नफस का अर्थ इन्होंने अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से, ठीक है, और रूह का आत्मा से है। ठीक, तो ये हो गई इंद्रियाँ, नफस, इंद्रियाँ, अक्ल, बुद्धि, कल्ब, हृदय और रूह माने आत्मा। ठीक, अब इनकी मान्यता ये है कि खुदा की प्राप्ति जो है वो कल्ब यानी कि हृदय से हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है। यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट इसमें दिखेगा या उतना ही स्पष्ट होगा। ठीक, दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जगत जो है ये वास्तविक सत्ता है, लेकिन जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। वो कहते हैं कि खुदा द्वारा बनाया हुआ नहीं का कार्य नहीं है ये जगत, ये जो है क्या है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। तो इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है कि सूफियों ने ये कहा कि बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है, यानी अद्वैतवाद का जो अहम ब्रह्मास्मि जो था या सोहम का जो भाव है, हाँ, वो इसमें देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे अनहलक अनलहक कहा जाता है उसको। ठीक है, जिसका अर्थ ये होता है कि बंदे और खुदा की एकता ही है, और ये विचार इस्लाम के विरुद्ध है और क्या है कि अद्वैतवाद से प्रभावित है। ठीक, अगली बात जो इसमें आती है उनके दर्शन में वो ये आती है कि बंदा जो है वो खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम यानी इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा, जबकि बंदे को पुरुष के रूप में। ठीक है, अगली चीज़ है कि शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया जो है उससे तो अलग है। ठीक है, माया और शैतान की धारणा ये दोनों अलग अलग हैं। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, और इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है ऐसा माना गया, यानी शैतान की जितनी खुराफातें हैं उनसे पार पा करके ही साधक जो है वो खुदा से एक हो सकता है। ठीक, अगला है आपका
कि गुरु भी जो है वो सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही गुरु की महत्ता देखिए आपको हर जगह दिखाई देगी। कोई भी साधना पद्धति हो, कोई भी आध्यात्म पद्धति हो, या कोई भी दर्शन हो, ठीक है, सब में गुरु की महिमा को बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर रखा गया और बहुत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। और ये भी है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ पर गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसमें यह नहीं है कि वो गुरु आपका मनुष्य ही हो सकता है, यह प्रकृति का कोई भी अवयव हो सकता है, जैसे कोई पक्षी भी हो सकता है। यानी कि आपको जिस किसी से ये प्रेरणा मिले या ईश्वर की ओर अग्रसर होने की, उसकी उसके ओर कदम बढ़ाने की, उसके आवेश को प्राप्त करने की, या उसके उसके आगोश को महसूस करने की, और जो भी चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं वो सारी चीज़ें सूफी दर्शन में या सूफी साधना पद्धति में आपकी गुरु हो सकती हैं, जो उस ओर बढ़ने का मार्गदर्शन दे, वो सभी चीज़ें आपकी गुरु हो सकती हैं। जबकि वैष्णव पद्धति में या जो ये संत और नाथ साहित्य जो हम पढ़ते हैं या संत जो पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि गुरु का एक मनुष्य का होना, मनुष्य के रूप में उस गुरु को बताया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का कोई भी अवयव जो है वो गुरु हो सकता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत चार अवस्थाएं आती हैं, ठीक है, शरियत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ठीक है। तो शरियत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन होता है, ठीक। तरीकत जो है वो शुद्ध हृदय की अवस्था होती है, जब हृदय शुद्ध होता है तो वो अवस्था जो होती है वो हृदय शुद्ध की जो अवस्था है वो तरीकत कहलाती है। मारिफत का अर्थ होता है ईश्वरीय अनुभूति का होना, ठीक है। और हकीकत जो है ये अंतिम अवस्था है, इसका मतलब होता है बका की प्राप्ति करना, यानी जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है और वो उसमें फना हो जाता है तो उसको जो है बका की प्राप्ति होना कहते हैं, ठीक है, या फना हो जाना या बका की प्राप्ति करना ये कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि सूफियों ने अपने इस्लामी आधार को बनाए रखते हुए उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, ठीक है, ताकि वो अपने परम तत्व या खुदा की प्रेमात्मक उपलब्धि कर पाएँ। और वे भारतीय अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव प्लेटोवाद के साथ साथ मोहम्मद पैगंबर से पहले के उन 27 पैगंबरों अर्थात आदम, नूर, इब्राहिम, मूसा और ईसा को भी महत्व देते हैं, जिन्होंने संपूर्ण सूफी परंपरा को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अब जो बात आती है वो प्रश्न ये उठता है कि सूफी की अवधारणा क्या है, ठीक है, और इस सब पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया या आप उससे सहमत नहीं हैं तो भी आप अपना व्यू इसमें दे सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे पता चलता है कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई है, कितनी नहीं समझ में आई है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप इस तरीके का कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। बेहिचक कमेंट कीजिए, बेहिचक लाइक्स कीजिए और प्लीज़ इसे एटलीस्ट एक ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कीजिए। इससे दो बातें होती हैं, पहली चीज़ तो ये कि आप जब शेयर कर देते हैं इस चीज़ को तो आप कभी भी आप उसको बैकअप पा सकते हैं, अगर अगर कभी YouTube पे ना रहे या फिर आप YouTube पे वो चीज़ें मिस कर दें या कभी आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं मिल रहा है वीडियो तो आपको पता होता है कि इस ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है इसे, तो आप वहाँ से जाके उसके बैकअप से ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं दोबारा से या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि डिस्कशन का अच्छा माहौल ग्रुप में मिलता है आपको, तो वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस वीडियो पे डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये कुछ नई और चीज़ें आपको पता चलती हैं, समझ में आती हैं, कुछ नए व्यूज़ आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और बेहतर वीडियो और बेहतर कंटेंट्स प्रोवाइड कराने का आपको
और उसके साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए आप सबको बहुत गुड लक, अ बिग थैंक्स अप, थैंक यू सो मच।